नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की उन फिल्मों के बारे में जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, जिसमें हम उनकी 100 करोड़ क्लब से लेकर 300 करोड़ क्लब में शामिल सभी फिल्मों के बारे में जानेंगे। वैसे तो 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा 17 फिल्में सलमान खान की हैं, जिनमें 10 फिल्में 100 करोड़ क्लब वाली, 4 फिल्में 200 करोड़ क्लब वाली और 3 फिल्में 300 करोड़ क्लब वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि सलमान खान की वे कौन सी फिल्में हैं जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2010 में सलमान खान की पहली 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म बनी दबंग, जिसने 138 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2011 में सलमान खान की दूसरी फिल्म बनी रेडी, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 119 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2011 में ही सलमान खान की तीसरी फिल्म बनी बॉडीगार्ड, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार करते हुए 148 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2012 में सलमान खान की चौथी फिल्म बनी एक था टाइगर, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 198 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2012 में ही सलमान खान की पांचवी फिल्म बनी दबंग 2, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 155 करोड़ का कलेक्शन किया। उसके बाद साल 2014 में सलमान खान की छठी फिल्म बनी जय हो, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 116 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं साल 2014 में ही सलमान खान की सातवीं फिल्म बनी किक, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 231 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया। यहां हम आपको बता दें कि फिल्म किक सलमान खान की करियर की पहली फिल्म है जिसने 200 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। उसके बाद साल 2015 में सलमान खान की आठवीं फिल्म बनी बजरंगी भाईजान, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार करते हुए 320 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया। फिल्म बजरंगी भाईजान सलमान खान की पहली फिल्म बनी जिसने 300 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। उसके बाद साल 2015 में ही सलमान खान की नौवीं फिल्म बनी प्रेम रतन धन पायो, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार करते हुए 210 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2016 में सलमान खान की दसवीं फिल्म बनी सुल्तान, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 300 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2017 में सलमान खान की 11वीं फिल्म बनी ट्यूबलाइट, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 119 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2017 में ही सलमान खान की 12वीं फिल्म बनी टाइगर जिंदा है, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 339 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया। फिल्म टाइगर जिंदा है सलमान खान के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। वहीं साल 2018 में सलमान खान की 13वीं फिल्म बनी रेस 3, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 166 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया। उसके बाद साल 2019 में सलमान खान की 14वीं फिल्म बनी भारत, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 211 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2019 में ही सलमान खान की 15वीं फिल्म बनी दबंग 3, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 146 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया। उसके बाद साल 2023 में सलमान खान की 16वीं फिल्म बनी किसी का भाई किसी की जान, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 110 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन किया। वहीं साल 2023 में ही सलमान खान की 17वीं फिल्म बनी टाइगर 3, जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया और 285 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया। तो ये थी सलमान खान की वे फिल्में जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है।